निर्गमन अध्याय 14। निर्गमन अध्याय 14। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पिहा हिरोत के सन्मुख बाल सपुन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बचे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली तो बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पिहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बाई ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में
यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यो अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब बरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़वाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय मानना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की।